बांदा में एक बार फिर मिशन शक्ति और डायल 112 की उपयोगिता के बारे में जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की महिला सुरक्षा और अपराध को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति और डायल 112 के बारे में नुक्कड़ नाटक कर कलेक्ट्रेट परिसर में आए फरियादियों व अन्य लोगों को जागरूक किया गया। महिला अपराध व अन्य आकस्मिक अपराध की रोकथाम के लिए डायल 112 करें। के बाद पुलिस क्यों आती है? ऐसा भी तो हो सकता है घटना घटित हो रही है उस वक्त पुलिस पहुंचे, तो हम लोगों के दिमाग में ये पहुंचता है कि पुलिस भाई सो रही है, पुलिस कुछ नहीं काम कर रही है। तो पुलिस ऐसा, पुलिस को जब पता ही नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, रास्ते में कोई बीच रास्ते में किसी को पेट में चाकू मार के चला जाए। मेरा नाम है शरद बाबू। सर क्या क्या है कार्यक्रम ये डायल 112 का भी आप लोग कर रहे थे? जैसे कि डायल 112 जो पंप है, जैसे कि बहुत से जो होते हैं, जैसे महिला कुंजन होता है, सहती रहती महिलाएं, तो उनको जागरूक करना है, या फिर जैसे बहुत से लोग गांव में होते हैं जो बहुत से लोग जानते नहीं हैं उसके बारे में, तो उनको जानकारी देना है कि जैसे कि अगर किसी को कोई महिला कुंजन हो रहा है, कहीं पर महिला को मारपीट कर रहे हैं उनके पति वगैरह दारू पीकर, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए 112 डायल कर सकते हैं। या फिर जैसे बेजुबान जानवर होते हों, जब वो कहीं बहुत से देखे हों कुएँ वगैरह में गिर जाते हैं, तो उनको पहले तो हर संभव मदद का प्रयास करें निकालने की। यानी आप ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि लोगों को यानी गाँव गाँव घर घर तक जानकारी पहुँच सके। सर इस समय मिशन शक्ति और डायल 112 के बारे में नुक्कड़ नाटक है और किसी तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग हो सकता है और कहाँ कहाँ हम डायल 112 को इस्तेमाल कर सकते हैं? जनपद बांदा उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार मिशन शक्ति फेज 5 का जो निर्देश प्राप्त हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है जनपद बांदा में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज डायल 112 की टीम के द्वारा एक पहल नाम से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महिलाओं को उनकी जो कल्याणकारी सेवाएं हैं जो सरकार की, उनके विषय में जागरूक किया जा रहा है। इमरजेंसी नंबर है 112 है, 102, 108 चाइल्ड हेल्पलाइन है, 1098 है, 181 महिला हेल्पलाइन नंबर, इन सारे नंबरों की जानकारी दी जा रही है और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ये अवगत कराया जा रहा है कि जब भी जरूरत पड़े, कोई आकस्मिकता की स्थिति है, 112 मिलाएं। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के विषय में भी बताया जा रहा है और ये लोग इसको अच्छे से देख रहे हैं और ये कामयाब हो रही है। मिशन शक्ति जो फेज 5 का अभियान है, इसके अंतर्गत हम अधिक से अधिक संख्या में और महिलाओं और बच्चों से मिल करके लोगों के बीच जा करके अपनी बातों को रख रहे हैं और उनसे अपराधों से बचने के लिए और उनको जागरूक कर रहे हैं और जो भी जिस तरह की पुलिस की कार्रवाई होती है उससे अवगत करा रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।